Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome again to Build a Better Nation with Mama Khan. I hope aapko mere messages pahunch rahe ho aur aapko fayda de rahe ho. Yes, we need to be a better nation aur is tarah hum thoda thoda karke we can always achieve what we want to achieve. Aaj ka message is all about respect or follow the rules or boundaries set by someone or by the city or by the country. Yes, what are the rules? Rules can be traffic rules, moral rules, ethic rules, family rules, school ke rules, kaam ke rules, aur bahut sare rules, relationship rules. Yes, Pakistaniyon, har jagah deen ke rules hain, har jagah mukhtalif rules hain, even jungle mein bhi usool hain. We all need rules. Everyone has their own territory, जिसको हम boundary कहते हैं और हर किसी की boundary को आप जब respect करते हो आप उनकी living coexist करना सीख जाते हो. हम ये सब क्यों करते हैं? Because हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस planet earth पे we learn how to care, we learn how to show respect, we learn that this is इसी सारी चीज़ में इसी अमल में सारा wisdom है. याद रखें इससे इक्वालिटी और नो डिस्क्रिमिनेशन साबित होती है, यानी आपका भी हक है एग्जिस्ट करने का और हमारा भी हक है एग्जिस्ट करने का. इस्लाम प्रमोट्स रूल्स, इस्लाम अप्रिशिएट करता है रूल्स, क्योंकि दीन इस्लाम में हर जगह, चाहे दीन इस्लाम हो चाहे कोई और मज़हब हो, हर दीन के कोई ना कोई कवानीन है, हम उनको फॉलो करते हैं और हमें करना चाहिए. जब तक हम फॉलो करते रहेंगे, जो भी असूल फॉलो करते रहेंगे, हम उसके नतीजे जो कि अच्छे नतीजे हैं, हम उसके नतीजे का फ़ायदा उठा सकते हैं जो अच्छे नतीजों का है. जहाँ तक बात है कि बैड कॉन्सिक्वेंसेस और द कॉन्सिक्वेंसेस जो हम नहीं चाहते, हम उन नतीजों तक नहीं पहुँचेंगे. What do we get from following the rules or respecting the rules and the boundaries? देखें, सबसे पहली बात, जब हम फॉलो कर रहे हैं तो वी आर बीइंग अ बेटर नेशन, वी ग्रो बेटर. हर बच्चा जिसके पास रूल्स हों, बाउंड्रीज हों, उनको बता दिया जाए कि हाँ ये हद है, ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो उसकी अपनी हदूद के अंदर बहुत बेहतर ग्रो करता है. उसका जहन ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर काम करने लग जाता है. उसको पता है कि हाउ टू कीप देम सेल्फ सेफ. हम बच्चों को बताते हैं कि ये फेंस जो बनाई गई है, इस फेंस के उस पार नहीं जाना, बिकॉज इट्स नॉट सेफ. और जब बच्चा इस चीज़ को रजिस्टर कर लेता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, इसी तरह वो ग्रो करने लगता है और वो और अपने जो टेरिटरी है उसको एक्सप्लोर करने में कामयाब होता है. वेल, सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ द रूल्स. सक्सेसफुल लोगों की कहानियों में रूल्स की बहुत अहमियत है. वो अपने ऊपर रूल्स लगाते हैं, वो अपने ऊपर रूल्स बनाते हैं ताकि वो सक्सेस की राह पे चल सकें. ग्रेटर नेशंस आर दोज हु रिस्पेक्ट द रूल्स. व्हेन वी डू दैट वी हैव बेटर रिलेशनशिप, बेटर वर्क, बेटर लाइफ एंड वी आर डेफिनेटली बेटर नेशन. और सबसे बड़ी बात, इट ईजेज आवर लाइफ, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, इंसान अनवांटेड स्ट्रेस से दूर होता है, हमारी ज़िंदगी मोर फोकस्ड और प्रोडक्टिव साइड हो जाती है देन टू हैव स्पेंडिंग हाफ अवर टाइम ऑन स्ट्रेस. इस पाकिस्तानियों, आज का मैसेज इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग एंड रिस्पेक्टिंग द रूल्स. अपने इर्द गिर्द ज़िंदगी में देखिए कि कहाँ पे आपको रिस्पेक्ट करनी है रूल्स की और कहाँ पे आपको रूल्स को फॉलो करना है. इंशाल्लाह जब आप करने लग जाएंगे, जिस तरह ट्रैफिक रूल्स हैं, मिसहैप से आप बचेंगे, अनवांटेड स्ट्रेस से आप बचेंगे, एंड ऑब्वियसली द हैप्पियर वी आर द हैप्पियर नेशन विल बी. पाकिस्तान जिंदाबाद. जहाँ से मेरा धरती